हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सभी के लिए, बिकॉज इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। बिकॉज एक अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है और दूसरी भी उसके साथ लिंक्ड है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। सबसे पहली अपडेट पासपोर्ट स्टैंपिंग को लेकर एक ईमेल आ रही है बहुत सारे लोगों को, मैं यहां पर शेयर भी कर दूंगा कि जिन्होंने पहले वेब फॉर्म भरा था पासपोर्ट स्टैंपिंग को लेकर। दूसरी अपडेट इनडायरेक्ट रूट को लेकर है, जो इथियोपिया का रूट है वो जो सस्पेंड हो गया है, ठीक है, आप अब ट्रेवल नहीं कर सकते उस चीज के बारे में, बिकॉज आपके रुपए का सवाल है, आपके जो कह सकते हैं कि आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, अगर वो कहीं स्टक हो जाता है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो कैनेडा हाई कमीशन की तरफ से एक ईमेल आ रही है, वी आर हैप्पी टू शेयर द हाई कमीशन ऑफ कैनेडा हैज कमेंस्ड सर्विस इन इंडिया इन फेस्ड मैनर, के वो बोल रहे हैं कि हम हैप्पी हैं कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैनेडा का हाई कमीशन है जो रीओपन फ्रॉम 21 जून फॉर एक्सेप्टिंग बायोमेट्रिक फॉर स्टूडेंट ओनली, ओके, एज ऑन द डेट पासपोर्ट सबमिशन सर्विस कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंड। अभी पासपोर्ट सर्विस है जो सस्पेंड रहेगी, लेकिन मैं क्यों ये शेयर कर रहा हूं, बिकॉज इस ईमेल को बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि दैट आप अब अपना पासपोर्ट जो सबमिट करा सकेंगे, इसीलिए आपको स्पेशल ईमेल आई है, आप अपना वेब फॉर्म भरिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, बिकॉज कल से ही कंटिन्यूसली मुझे लोग शॉर्ट्स भेज रहे हैं इस ईमेल का और बोल रहे हैं कि सर क्या हम अपना पासपोर्ट स्टैंप करवा सकते हैं, बिकॉज हमें एक स्पेशल ईमेल आई है। गाइस, जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव ईमेल है, एक हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस की ईमेल है कि अभी जो पासपोर्ट स्टैंपिंग है वो नहीं स्टार्ट हुई, आपको वेट करना पड़ेगा, बट आप अदर कंट्री में पासपोर्ट स्टैंप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहां के वैक से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है इनडायरेक्ट रूट को लेकर, आप सभी को पता है कि कैनेडा की जो नॉर्मल फ्लाइट्स है वो सस्पेंडेड है, ठीक है, अंटिल दी फर्दर नोटिस। ऐसे में बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट रूट से जा रहे थे, चाहे इथियोपिया, मेक्सिको, सर्बिया, मास्कट, बट इस समय एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपने आने वाले दिनों में ट्रेवल करना है इनडायरेक्ट रूट से, मैं रिकमेंड करूंगा एज सून एज पॉसिबल आप ट्रेवल कर लीजिए, बिकॉज बाद में अगर रूट सस्पेंड हो गया आपका समय भी खराब होगा, आपका पैसा भी खराब होगा, और जो आपको कह सकते प्रॉब्लम आएंगी वो डिफरेंट सिनेरियो की होंगी, ठीक है। तो इस समय अगर आपने इथियोपिया से ट्रैवल करना है, इथियोपिया ने अपना ई वीजा भी सस्पेंड कर दिया है आने वाले कुछ दिनों के लिए, हो सकता है वहां पे इलेक्शन है इस कारण हो सकता है, या कोई और इश्यू हो सकता है, अब आप इथियोपिया से ट्रैवल कैनेडा नहीं कर सकते, ऐसे में आपके पास मेक्सिको बचता है। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपने इनडायरेक्ट रूट से वाकई ट्रैवल करना है तो एक वीक या 10 दिन के अंदर ट्रैवल कर लीजिए, अदरवाइज इट इज बेटर टू वेट, बिकॉज 10 से 15 दिन का जो गैप बचा है, कैनेडा ने कहा कि जुलाई लास्ट में हम जो ट्रेवल रिज्यूम कर देंगे, हम जो जहां नॉर्मल फ्लाइटें हैं वो रिज्यूम कर देंगे, आपके लिए अच्छा होगा। ये थी दो क्विक अपडेट, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है उसे भी ज्वाइन करना। थैंक यू।